हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। और एक्सेल में वी लुकअप आपने सीखा होगा, वी लुकअप पर कई वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में वी लुकअप के साथ अलग अलग फंक्शंस को यूज करके देखेंगे। ठीक है, अब किस तरह के फंक्शन होंगे उसको देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं, ये एक्सेल का 2021 है तो मैं इसे ही ओपन कर लेता हूं, थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट है। और यहां पर क्लिक किया, हमारे पास कोई डेटा तो है नहीं तो एक डेटा शीट भी सेट भी हमें बनाना होगा और उसको बना लेते हैं। देखिए इसमें भी कई सारे फंक्शंस आपको सीखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम अक्सर जो है स्टूडेंट का ही डेटा सेट लेते हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रोल नंबर, तो ये हो गया रोल नंबर। और यहाँ पे क्या करेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हमने कर दिया नेम ऑफ स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट 1, 2, 3, मतलब एक एक अलग अलग सब्जेक्ट के 2, चूंकि हमको यहाँ पर बहुत सारे इसी सीक्वेंस में नंबर रोल नंबर एंटर कराने हैं, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके जब नीचे करेंगे इस तरीके से ड्रॉप डाउन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो इस तरीके से देखिए ये सारे सीरियल नंबर इंसर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट के नाम आएंगे, तो जो भी स्टूडेंट के नाम हो वो यहाँ पर आप एंटर करते चले जाइए। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए किस प्रकार से स्टूडेंट के नाम एंटर कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सोनू मोनू जो भी नाम हो वो यहाँ पर आप एंटर करवा दीजिएगा। और यहाँ पर कर देते हैं अभिषेक, अभिषेक हो गया, तो ये सारे नाम एंटर करवा लेने के बाद यहाँ पे मार्क्स चाहिए। अब ये और भी ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही, तो ये तो एक डेटा मैंने ले लिया सिर्फ सिखाने के लिए। और यहाँ पर इस बार हम रैंड बिटवीन का यूज करेंगे, और यहाँ पे सबसे कम मार्क्स 2 रहेगा, सबसे ज्यादा मार्क्स 89 रहेगा, तो उनके बीच का एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से आपको जाना है, इस तरीके से ड्रैग करवा लेना है और फिर नीचे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करवाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर सबके मार्क्स आ जाएंगे। और इसके बाद चूंकि ये फंक्शन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे फिक्स कर देंगे, फ्रीज कर देंगे पेस्ट स्पेशल पे जाके। अब हमें टोटल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ सम का फंक्शन लगाएंगे और SUM सम किया हमने, ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ से जाएंगे इस तरीके से, और ये जाने के बाद इसको बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर आपको ये निकलता हुआ दिखाई देगा। आप डबल क्लिक करेंगे तो सबका आ जाएगा। फिर यहाँ पर एवरेज को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे AVERAGE एवरेज हमें कैलकुलेट करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो एवरेज का ही फंक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा, तो ये एवरेज लगाया हमने, और एवरेज लगाने के बाद यहाँ से जाएंगे इस तरीके से, और अब इसको बंद करेंगे और बंद करके एंटर कर देंगे, तो एंटर करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर एवरेज आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे सबका एवरेज हमारे सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमारा डेटा तैयार हो गया। यहाँ पर कंट्रोल ए करेंगे तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा डेटा में ही कहीं पे क्लिक रखिएगा और तब आपको कंट्रोल ए करना है, और जैसे ही करेंगे तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, फिर अल्ट एच बी ए कर दीजिएगा तो पूरे पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, इतने हिस्से को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं इसे एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ये मैंने प्रोवाइड करा एक डिफरेंट कलर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पूरा डेटा सेट आपको दिख ही रहा होगा, करना क्या है यहाँ पर, अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये करना है कि यहाँ पर हमें हेडिंग जो है इस तरीके से, अब देखिए जैसे जो चीज आपको जरूरत हो, जैसे मान लीजिए वी लुकअप क्या काम करता है, हमेशा लेफ्ट साइड से लुकअप करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं रोल नंबर, तो ये रोल नंबर ले लिया और यहीं पे रख लेते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं आप, मैं यहीं पे रख लेता हूं। और रोल नंबर के बेस पे मान लीजिए हमें टोटल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे टोटल पे आए और यहाँ पे टोटल वाला हेडिंग भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें रोल नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन बना सकते हैं यहाँ से डेटा टाइप पे जाके, और यहाँ से इस तरीके से डेटा वैलिडेशन पे जाइए, और डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद यहाँ पे इसे लिस्ट बनाइए, और ये जो लिस्ट है ना ये लिस्ट पूरी चूज कर लीजिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से इससे फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर आपको रोल नंबर देखने को मिल जाएगा, बिना आप यहाँ पे एंटर नहीं करवाना पड़ेगा, यहाँ से केवल चूज करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल वी लुकअप की, तो यहाँ पर वी लुकअप लगाया इस तरीके से, वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप, और ये हमेशा लेफ्ट साइड से ही लुकअप करेगा, तो लेफ्ट साइड वाला डेटा हमने किया सेलेक्ट, कॉमा दे दिया, और अब पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करना है। तो देखिए हेडिंग हमने ऑलरेडी ले रखा है, इसीलिए हेडिंग को मैं नहीं ले रहा, और यहाँ पे F4 दबा के फ्रीज करिएगा, कॉमा लगाइएगा, और यहाँ पर चूंकि टोटल कौन से कॉलम में है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल वी लुकअप लगा रहे हैं इसीलिए ये देखना बड़ा जरूरी, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवा और ये आठवां। तो आपको यहाँ पे देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर के अंतर्गत
हमें यहाँ पे 8 डालना पड़ेगा, अगर टोटल चाहिए तो 8 और अगर एवरेज चाहिए तो 9। और यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट मैच के लिए हम हमेशा फॉल्स यानी 0 देते हैं और 0 देके एंटर कर दीजिएगा। तो देखिए रोल नंबर 4 का जो टोटल है वो 203 नंबर है। अब ये कैसे पता 203 है, तो ये है रोल नंबर 4 और यहाँ पर इनका टोटल 203 ही आया हुआ है। बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 203 ही आया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे रोल नंबर 4 का नहीं किसी और का देखना था, तो यहाँ पे अगर रोल नंबर 8 कर देते हैं तो रोल नंबर 8 का टोटल आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये रोल नंबर 8 है हिना और इनका टोटल जो है 146 है, तो यहाँ पर वही नंबर आया हुआ है, देख सकते हैं ना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ 11, तो 11 का ही टोटल आया हुआ है। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि अगर हमें टोटल नहीं देखना, कुछ और देखना था तो क्या करते, कुछ और देखना होता तो यहाँ पे इसको हेडिंग को चेंज कर देते। जैसे मान लीजिए अगर हमें एवरेज देखना है तो यहाँ पे ए बी ई आर ए जी ई यहाँ पे लिख देंगे एवरेज आर ए जी ई, ये हो गया। और एवरेज लिखने के बाद यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे तो फिलहाल कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इस हेडिंग का तो हमने यूज ही नहीं किया। बस आपको फॉर्मूले में एक एडिट करना है, फंक्शन के अंदर एक एडिट करना है, क्या करना है, यहाँ पे 8 की जगह 9 बनाना है और 9 बना करके एंटर कर देना है। तो रोल नंबर 11 का जो एवरेज था वही आपको कैलकुलेट होता हुआ दिखेगा 39.2। देखिए वही एकदम सेम आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप एकदम क्लियरली वही आया हुआ है। लेकिन यहां से अगर चेंज करते हैं तो देखिए यहाँ पर 8 का अपने आप चेंज हो गया, ये हिना है और इनका जो एवरेज है 29 जो भी आया हुआ है वो यहाँ पर आपको साफ साफ डिस्प्ले भी हो रहा है 29.2। जब भी आप चेंज करेंगे इसे ना तो सारी डिटेल अपने आप चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ 5 किया तो ये डिटेल अपने आप चेंज हो गई, 5 का डिटेल जो भी है। अब देखिए यहाँ पे सोनू था, यहाँ पे एस ओ छूट गया तो यहाँ पे ओ कर देते हैं, तो ये हो गया सोनू। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो 5 का कितना आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये 5 है और यहाँ 52.8 है। देखिए 52.8 ही आया हुआ है, देख सकते हैं कि नहीं। तो ये बड़ा आसान है, ठीक है। तो ये तो सिंपल वी लुकअप हो गया, लेकिन हमें अब क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम जो है पूरा डेटा लेके आए। वी लुकअप के थ्रू पूरा डेटा कैसे आएगा, यानी कि अगर हम रोल नंबर 1 एंटर कर दें तो उनका सारा मार्क्स एक ही बार में आ जाए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, पहले तो ये पूरी हेडिंग कॉपी कर लीजिए आप, यहां से जाके इसको कॉपी किया हमने, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन चाहिए, तो वही तरीका है ड्रॉप डाउन बनाने का कि यहाँ पे रखिए, डेटा टैब पे जाइए, डेटा टैब पे जाके यहाँ पे जाना है आपको कहाँ, ये डेटा वैलिडेशन पर, और डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद यहाँ पे इसे लिस्ट बनाइए और तब यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर ये पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा तो ये ड्रॉप डाउन बन जाएगा। अब पूरा हम सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ड्रॉप डाउन आ गया है, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे रोल नंबर हो उसी के बेस पे हमारा आ जाना चाहिए सारा कुछ। तो आप वी लुकअप लगाएंगे तो ये वी लुकअप सिंपल वी लुकअप नहीं है, इसमें हम और भी फंक्शंस को जोड़ेंगे। आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, F4 दबा के इसे फ्रिज करेंगे। पहली बार में हमने फ्रिज नहीं किया था, फ्रिज करना यानी रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर लगा देना है, कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे, तो टेबल एरे में हमने हेडिंग ऑलरेडी ले रखा है तो हेडिंग नहीं लेना है आपको, और F4 दबा के इसे भी फ्रिज कर देना है। अगर मान लीजिए आप F4 दबा के फ्रिज नहीं कर पा रहे हैं तो एक एक करके आपको करना होगा। फिर कॉमा लगाइए, कॉमा लगा लेने के बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है कॉलम्स, COLUMNS। तो ये हो गया कॉलम्स, और कॉलम्स के थ्रू ही हम ये काम करके दिखाएंगे। तो ये देखिए ये कॉलम्स हुआ, और इन दोनों हिस्सों को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसके पहले हिस्से को फ्रिज करना है, पहले कॉलम में जो ये आया हुआ है सेल एड्रेस ना, इसके पहले हिस्से को ही आपको करना है फ्रिज, तो फ्रिज कर दिया। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, कॉमा लगाना है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए रोल नंबर 7 का नाम रितेश है, तो क्या रितेश ही है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल रितेश ही है। और रोल नंबर 7 का जो नाम है वो रितेश ही है, देखिए मैंने इसे हाईलाइट भी किया है और ये रितेश ही है। लेकिन फायदा क्या हुआ, अब यहाँ से आप ड्रैग करिए इसको केवल, और ट्रैक करने के बाद देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है। तो रितेश का सब्जेक्ट 1 में 57, तो क्या 57 है, बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता चलता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड में 33 है, तो बिल्कुल है, देखिए यहाँ पे 33 ही आया हुआ है। फिर यहाँ पर थर्ड में आते हैं तो यहाँ पे 84 है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी 84 है। अगर फोर्थ में आते हैं तो यहाँ पर क्या है, तो फोर्थ में 70 है, तो यहाँ पर भी तो 70 ही आया हुआ है।
ठीक है। और फिफ्थ में क्या आया हुआ है 69, तो यहाँ पर भी तो 69 ही आया हुआ है देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो जो है वो आता चला गया है और 313 ये हमारा टोटल है जो कि आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा, और 62.6 ये हमारा एवरेज है, ये भी कैलकुलेट होता हुआ आपको नजर आ ही रहा होगा। तो ये एक बार में सारा लुकअप कराने के लिए मैंने किया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसा हो कि जो है हम यहाँ पर जो सिंपल भी लुकअप लगा रहे थे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं फिर से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो था रोल नंबर, ये हो गया रोल नंबर, तो रोल नंबर के बेस पे हम लुकअप कर रहे थे ना, तो रोल नंबर के बेस पे हम जब चाहे तब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने टोटल लिखा था, तो देखिए जरा ध्यान से, टोटल लिखने के बाद यहाँ पे हम रोल नंबर के लिए एक ड्रॉप डाउन बना रहे थे, ड्रॉप डाउन के लिए हम डेटा टैब पे जा रहे थे, और डेटा टैब पे जाके क्या कर रहे थे, यहां से डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन के बाद यहां से लिस्ट, और लिस्ट के बाद यहां से ये चूज कर ले रहे थे, यानी कि ये सारा सेलेक्ट करके और एंटर कर दे रहे थे। तो एंटर करने के बाद आप देख रहे थे कि यहां पर एक ड्रॉप डाउन आपको क्रिएट होती हुई नजर आ रही थी। जब हमको टोटल करना होता था तो यहां लगा लेते थे वी लुकअप, ठीक है। तो ये वी लुकअप लगाया और यहां पे रोल नंबर को सेलेक्ट करके कॉमा लगा देते थे, और कॉमा लगा करके ये पूरा टेबल है ये सेलेक्ट कर लेते थे। तो ये सेलेक्ट करके F4 दबा के फ्रिज कर दिया, कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमें देना है। तो मान लीजिए टोटल का कॉलम इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 था, 8 दे दिया, कॉमा दे दिया, 0 दे दिया, बंद कर दिया, एंटर कर दिया, यही तो कर रहे थे। तो रोल नंबर 4 का 203 है, तो 203 ही होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत तो तब होगी जब हम यहाँ पे टोटल हटा करके एवरेज कर देंगे, ए बी ई आर ए जी ई, एवरेज कर दिया तो क्या ये चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसके लिए हम वी लुकअप के साथ मैच यूज करेंगे। तो ये हो गया वी लुकअप, और वी लुकअप के साथ हम यूज करेंगे मैच। तो मैच यूज करने से पहले इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, F4 दबा के फ्रिज करता हूँ, कॉमा देता हूँ, और यहाँ पर ये पूरा टेबल एरे हमें कर लेना है सेलेक्ट, F4 दबा के फ्रिज करना है, कॉमा लगाना है, और मैच का फंक्शन लगा देना है। तो ये लगा दिया मैच वाला फंक्शन, और मैच वाला फंक्शन लगाने के बाद ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, हमें लुकअप किसे करना है, तो एवरेज को लुकअप करना है। तो यहाँ एवरेज को सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके और यहाँ पर कॉमा लगाइए, और कॉमा लगा करके एवरेज मिलेगा कहाँ, तो यहाँ ऊपर किसी जो है कॉलम में, यहाँ पे रो में, किसी सेल में मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये हमने पूरा सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करके F4 दबा के फ्रिज किया, और कॉमा लगाया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है, कॉमा देना है, और वी लुकअप के छूटे हुए फॉर्मूले को पूरा करने के लिए यहाँ पे 0 दे देना है। ये या गलत है तो एक बार चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए चलेंगे रोल नंबर 4 पे, और देखिए इनका एवरेज जो है 40.6 आया हुआ है, देख रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमें एवरेज नहीं देखना था, तो यहाँ से एवरेज हटा दीजिए, क्या देखना था, तो टोटल देखना था, तो यहाँ पे टोटल पे जाइए। अभी यहाँ पर देखेंगे कि NA आ गया है, NA यानी नॉट एप्लीकेबल, यानी आंसर अभी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अब एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने टोटल किया तो यहाँ पे टोटल शो होने लगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि टोटल भी नहीं देखना था, कुछ और देखना था, सब्जेक्ट 2 का नंबर देखना था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट 2 लिखिए और एंटर कर दीजिए। तो देखिए सब्जेक्ट 2 का नंबर आ गया, रोल नंबर 4 के सब्जेक्ट 2 का नंबर कितना है, 28 आया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट करता हूँ डिफरेंट कलर से भी, ये देखिए ये 28 आया हुआ है, और यहाँ पर कितना है 28। लेकिन मान लीजिए रोल नंबर 3 सब्जेक्ट 3 का देखना हो तो ये सब्जेक्ट 3 कर दीजिए, अगर मान लीजिए रोल नंबर 5 का देखना हो यहाँ से 5 कर दीजिए, जो देखना होगा उसी का वो आएगा, ठीक है। तो ये रोल नंबर 5 का सब्जेक्ट 3 में 9 मार्क्स है, तो क्या सही बात है, तो सब्जेक्ट 3 है ये, और यहाँ पे 9 ही मार्क्स आया हुआ है। आप एकदम स्पष्ट क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसे एक डिफरेंट कलर भी प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। देखिए एकदम क्लियर है कि नहीं है, एकदम बेहतरीन, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं कि यहां पर वी लुकअप के साथ